إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله رب العزة كرم إحسان في ودولي غنيمت كموقع عطا فرماي زندگي أو عمر من إضافة سهد كسار उसके घर में इकट्ठा हुए उसकी आगे मुशान रात में जो लैलतुल कद्र तलाश की जाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस मजलिस के हाज़रीन और जो ईमान वाले यहाँ पर इस रात की खसूसियत की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह ताला से इस रात की रहमत बरकत फज़ीलत लेना चाहते हैं अल्लाह भरपूर हम सबको मालामाल फरमाए जहन्नुम की आग से छुटकारा और आज़ादी दिला दे और रब्बुल आलमीन हमारे आपके रोज़ों को नमाज़ों को सदका खैरात को हर एक सालेह अमल की तौफीक के साथ कबूलियत का शर्फ इनायत फरमाए अल्लाह सुब्हान व तआला इस रात के बारे में तो आप बहुत कुछ सुने होंगे जुमे के खुतबों में या बयानों में मगर दो तीन बातें जो हर एक के लिए ज़रूरी और बुनियादी चीज़ है जो अपनी पर्सनैलिटी में मोमिन की इजाफा करना ज़रूरी है अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों के साथ वही अंदाज से गुफ्तगू करते हैं जो गुफ्तगू इंसान के पास समझ में आती है और उसके तरफ मुतवज्जे होता है सूरह कदर में दो तीन चीज़ें हैं जो लोग उसको शायद जिक्र नहीं करते मगर मोमिन की बहुत बड़ी गहरी कड़ी निगाह रहती है जो उस चीज़ को हासिल करना चाहता है कुरान के अंदर पिछले उम्मतों के वाकयात क़यामत के आने वाले मनाज़िर बीच में शरीयत जो आपस में इख्तलाफ हुआ तो फैसले हुकूम मगर हर एक एक आयत हर एक एक वाकया पास्ट का या प्रेजेंट का या फ्यूचर का वो आपको हमेशा मुतवज्जे करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत और उसकी अज़मत और बड़ाई और ये चीज़ आपके और हमारे अंदर पैदा होना ताकि तक़वा का हुसूल इसी से मुनहसर हो इंसान जितना अल्लाह ताला की अज़मत बढ़ाई जाना है उतना उसके पास तक़वा बढ़ता है और जितना अल्लाह की अज़मत बढ़ाई उसके पास नहीं उतना वो चीज़ का तक़वा कम होता है जो कि रोज़ा और रमज़ान का मकसद है इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब देकर हुक्म फरमाए अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिक ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इस चीज़ का इल्म और बखूबी इसकी जानकारी हासिल कीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या होती है अकायद की बुनियाद बहुत ज़्यादा अहम बुनियाद है कोई इमारत ठहरने के लिए उसकी संग बुनियाद मजबूत होनी चाहिए उतनी ही इमारत को ठहराव मिलता है अगर तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह सही मौजूद नहीं तो फिर कोई नमाज रोज़े ऊपर के कबूल होने की अंदेशे नहीं हो सकती
क्यों? क्योंकि शिर्क सारे अमल को जब्त और हद और ज़ाय कर देता है। बोलने का क्या पॉइंट है यहाँ पर, गौर फिक्र करने का पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हुकुम के पहले इस चीज़ की जानकारी हासिल कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह होती तो क्या होती। यही वाहिद चीज़ है जिसके लिए आसमान, ज़मीन, जन्नत, जहन्नम, पैगंबर, किताबें, ये सारी चीज़ें नाज़िल किए अल्लाह ताला की वहदानियत कायम करने के लिए। और वहदानियत के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है इंशाअल्लाह अपने दस में आके तफसील जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला की अज़मत और बड़ाई में लैलतुल क़द्र का बहुत बड़ा मामला है, वो उसको किस अंदाज से लेना है हर कोई अपना अपना तसव्वुर ज़हन में बना कर रखा है, मगर कुरान से उसकी और फिक्र करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाए इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने इस कलाम पाक को नाजिल किए शबे कदर की रात। अब लोग तफसीर में तो यही देखते हैं मगर इसमें अकायदी बुनियादी नुक्ता क्या है कि ये कलाम पाक अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला की एक सिफत है और ये एक सिफत की शान में जो रात में उतारे गए वो सबसे बेहतरीन अजीम तरीन रात बन गई, उसकी कदर करने का हुक्म है। फिर वही एक सिफत अल्लाह की जिसमें उसका कलाम है, जिस महीने में उतारा गया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास वबय्यिनात, शहर रमज़ान की फ़ज़ीलत दी गई, जिस फरिश्ते ने इस किताब को लेकर उतरा जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार बनाए गए, सबसे आला दर्जा फरिश्तों का, जिस हस्ती पर यह किताब नाजिल की गई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे कायनात में अफजल और आला दर्जे के फाइज और हाइज हो। अब सोचिए यही अल्लाह का कलाम आपके और हमारे दिल में उतर जाए, उसकी आदमत और मोहब्बत लग जाए, आपका मर्तबा और दर्जा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। वल्लाह आपका और हमारा दर्जा कभी भी उस चीज़ से नहीं था कि आपके पास अच्छी गाड़ी है बल्कि लोग आपको तारीफ करते हैं, या अच्छा बंगला है, या आपका अच्छा अहदा है, या आपका बैंक बैलेंस है, या आपका रियल इस्टेट है। वल्लाह ये सारे चीज़ें पूरे इंसान को धोखे में रखती है कि उसको अल्लाह ताला ने नवाजा है ताकि अल्लाह की शुक्र बजा लाए, मगर जब बंदा अपनी बड़ाई में चला जाता है तो वो सजा का और जहन्नुम का रास्ता बन जाता है, अल्लाह महफूज रखे। तो पहली चीज इस आयत में अल्लाह ताला इस कलाम पाक को उतारे हैं, इसमें अकायदी दूसरा नुक्ता क्या आता है जानते हैं कि आज हमारे बहुत से मुसलमानों को पूछिए आप जिस अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत करते हैं वो अल्लाह सुब्हान ताला कहाँ मौजूद है, तो अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह है और ये कुफरी बातिल अकीदा है, गलत है। अल्लाह ताला हर जगह नहीं, अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर, हर जगह अल्लाह ताला से कोई छुपने वाली चीज़ नहीं। हत्ता कि आज भी जो है हम पढ़े सूरह अनआम के इशा में वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, एक पत्ता नहीं गिरता है जहाँ पर भी मगर अल्लाह उसकी खबर रखता है, उसका इल्म है। वला हब्बतिन, ना एक बीज का दाना, फी ज़ुलुमातिल अर्ध, ज़मीन के कच्ची जगह या खुश्क जगह, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ध वला रतबिन वला याबसिन इल्ला फी किताब, अल्लाह के रजिस्टर में वो मौजूद इल्म है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला जब उतारे इस कलाम पाक को, उतारने वाला और उतारने का फ़िल कहाँ से होता है, उतारना नीचे से ऊपर होता है या ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे। तो फिर अल्लाह ताला जब ये कलाम पाक उतारे हैं वो कहाँ है, इससे पता चला है इन्ना अनज़लना, हमने इस किताब को नाज़िल किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहि किताबा वलम यजअल लहु इवजा, सूरह काफ़ में पढ़ते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कितने आयतें अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इस चीज़ को उतारे हैं और फिर बंदा अल्लाह का एतबार नहीं कर रहा है कि उतारने वाली हस्ती ऊपर ही होती है, साथ में आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है जैसे सूरह ताहा में रब्बुल आलमीन फरमाए अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। और अगर आप बोलेंगे कि अल्लाह ताला हर जगह है तो आपका खुद लॉजिक माइंड से सोचिए, आप दुआ करते वक्त हाथ इधर उधर नहीं फैलाते, हाथ ऊपर जाता, आपकी फितरी सोच खुद कहती है कि अल्लाह आसमान पर। तो फिर ये अकीदा बातिल अकीदा जिसको वहदतुल वजूद कि अल्लाह हर चीज़ में है,
ये हर चीज में कहने का अकीदा कुफर तक पहुंचाता है, क्योंकि जो बुत परस्ती करते हैं या किसी जानवर की इबादत करते हैं, वो लोग बोलते हैं अल्लाह का इसमें हिस्सा है इसलिए हम अल्लाह की इबादत करें, ये कुफरी रास्ता। ठीक है, चले अपन दूसरी बात पे जाएंगे। आपके कोई अजीज दोस्त है और उनको पेट में दर्द काफी वक्त से हो रहा है, तो आप उनको कई दवाखाने वो जाकर आकर दवा दिए मगर कुछ फायदा नहीं हुआ, आप उनको एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रवाना किए और वो डॉक्टर उनके टेस्ट का रिपोर्ट कर बुलाया और रिजल्ट में आपको फोन कर रहे हैं। और हजरत इंसान जब किसी बात को बहुत बड़ी अहमियत वाली होती है उसको हाईलाइट देकर उसको जूम देकर बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए कि वो इतनी खतरनाक है तो उतने ही अंदाज से बोलता है। क्या कह रहे हैं आपको मालूम डॉक्टर ने क्या बोला रिपोर्ट में क्या आया? मेरे को कैंसर बताया। आपको मालूम कैंसर किसको बोलते? ये जो अंदाज है गुफ्तगू का क्या किस मामला खतरनाक और डेंजर है, इसलिए इस अंदाज से इंसान उसको बड़ा चढ़ाकर हाईलाइट करता है। अल्लाह सुब्हान व तआला वही अंदाज से आपसे मुखातिब हुए, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम्हें क्या पता है शब कदर क्या होती है? सिर्फ आए बैठे मस्जिद में खपशप कर लिए, खाना पी लिए, दस सुन लिए, बहुत बड़े जन्नत हो गए? नहीं, मामला इसकी कदर करने के लिए ये अल्लाह ताला इस रात की मग़फ़िरत और अल्लाह ताला इस एक कलाम की सिफत रब्बुल आलमीन की इतनी काबिल कदर और इतना बड़ा एहतमाम किया जा रहा है। सोचिए अल्लाह के और नबियों व अस्माओ व सिफात है कितने हैं, अल्लाह के नाम है ना भाइयो कितने नबियों है और अल्लाह के नाम कितने हैं, वही है ना नबियों 99 हाँ बराबर है, जो बोले 99 हाथ उठाइए। अल्लाह के अस्माए हुस्ना 99 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना, अल्लाह के 99 नाम है। जो बोल रहे उससे ज्यादा है, कोई बोल रहे उससे ज्यादा है अल्लाह के? हाँ आप, हाँ आपके 99 से ज्यादा है, अच्छा ज्यादा है, जज़ाकअल्लाह खैर। हकीकत में अल्लाह सुब्हान व तआला की तारीफ के औसाफ बहुत ज्यादा है। हमको जो बताए गए 99 यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि 99 इस्म, अल्लाह के 99 नाम है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी और जामे दुआ है। इस दुआ को अगर सुनेंगे दिल में एक अजीब तब्दीली आ जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को किस लिए कहने के लिए फरमाए? जो कोई तुम में से गमजदा परेशानी से दुख और उसकी दिल में ये कैफियत आ जाए, कुछ टेंशन परेशानी हादसा नुकसान कुछ ऐसा होता तो इंसान ज्यादा फिक्र में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, गमजदा हो जाता है कुछ ऐसे हादसा पेश आने से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए जो भी कोई बंदा मा मिन अब्दिन असाबहु हम्मुन वला हज़न, गमजदा और दुखी जो कोई बंदा होता है फिर ये दुआ पढ़ लेता है इल्ला अब्दलल्लाह, अल्लाह ताला उसके गम को खुशी में बदल देता है, उसके दुख को आराम और राहत में तब्दील कर देता है। ये दुआ के अल्फाज अरबी में मैं पढ़ूंगा उसके साथ तर्जुमा दूंगा, इससे पता चलता है कि अल्लाह के नामा कितने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ में क्या कहते थे? اللهم اني عبدك الله میں تیرا بندہ ہوں وابن عبدك اور تیرے بندے کا ہی بیٹا ہوں وابن امتك تیرے بندی کا ہی بیٹا ہوں پہلے اپنی اوقات کو جاننا کس کے سامنے ٹھہرے ناصیتی بیدک میرا فیصلہ تیرے حوالے ہے ماضی فی حکمك تیرا جو حکم فیصلہ میرے اوپر ہو چلتا ہے وہی چلے گا عدل في قضاء جو قضاء تقدير میں تو میں نے لکھا ہے وہ عدل انصاف سے لکھا ہے اسألك بكل اسم هو لك تجھ سے سوال کرتا ہوں دعا کرتا ہوں ہر وہ نام جو تیرے لیے دیا گیا ہے سميت به نفسك جو آپ نے اپنے خود کے لیے رکھے ہیں او انزلته في كتابك
या वो नाम से भी जो आपने किताबें नाजिल फरमाए, अव अल्लमतहु अहद मिन खल्क़, या किसी खास बंदे को वो नाम मखसूस उसी को सिखाए, अव इस्तअखरत बिही लिनफ्सिक फी इल्म अल-ग़ैब इंदक, या ग़ैब के इल्म में तूने अपने लिए राज में रखा है। कितने होंगे नाम, कितने नामों से अल्लाह को पुकार रहे हैं? देखिए ये इतने नामों से जो नाम तेरे राज में तूने अपने लिए रखा, या किसी मखसूस बंदे को खास नाम सिखाए, या किताबों में नाजिल करे, या जो नाम आप अपने लिए मखसूस आपने रखा है, पूरे नामों से अल्लाह से मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है उसके बाद? अन तजअल अल-क़ुरआन अल-अज़ीम रबीअ क़ल्बी, कि इस कुरान कलाम पाक जिसको हम रातों में सुनते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, ये मेरे दिल की सुकूनियत और स्प्रिंग, जिसको मौसम बहारी की मौसम आती है, वो अंदाज से रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी, मेरे सीने की रोशनी खुला दी, व जला हम्मी, मेरा फिक्र और टेंशन मिट जाए, व ज़हाब हज़नी, और मेरा दुख चला जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो अल्लाह ताला उसकी हालत की तब्दील करता है, मगर ये मीनिंग और ये दुआ के एहसास के साथ जब मांगेंगे, यकीन के साथ हालात बदलेंगे। ये अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और अल्लाह ताला नबी की बात की तस्दीक करते हैं, और वो वादे खिलाफ नहीं होते हैं कभी। चलिए उसके बाद वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता शब कदर क्या होती है? लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, हजार माह की इबादत से अफज़ल। बोलने को जबान पे आसान है, मगर सवाल ये है अल्लाह ताला महीनों से क्यों काउंट करा? साल से बोल सकते थे तेरी 80 साल की इबादत से अफज़ल है, या ज्यादा करना है? अगर सालों में कम देखेगा तो अल्लाह ताला दिनों में बोलता था कि इतने हजार दिन होते हैं, या 1 लाख से ज्यादा कितने दिन होते हैं, वो सालों की इबादत तो लाखों में दिनों में काउंट होते थे। मगर मसला इंसानी फितरत से अल्लाह ताला गुफ्तगू करते हैं। हर इंसान मेहनत मजदूरी नौकरी ड्यूटी करता है तो उसकी तनख्वाह महीने के आखिर में उसको दी जाती है, और माह रमज़ान में भी आप और हम 1 महीने की इबादत करते हैं, और उसका सिला उसका बदला भी हम आखिर में लेना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर हम पाबंद रहें। तो महीने के हिसाब से अगर कोई इंसान को उसकी तनख्वाह कितनी है, कितना इनकम याद है, पता है, तो अल्लाह ताला ऑफर दे दिए हैं कि ये 1 रात की ड्यूटी आपके लिए 1000 महीने की इबादत से अफजल है, यानी कि 1000 तनख्वाह 1 रात में आपको मिल जा रही है। कि कौन बेखौफ जो इतने नादानी से इसकी लापरवाही करके इतना बड़ा मौका हाथ से छोड़ता है, ये आप और हम अंदाज लगा सकते हैं कि या तो जाहिल, या तो गाफिल, या तो अल्लाह ताला उसकी कुछ भलाई इस चीज़ से महरूम किया कि उसके कुछ गुनाह उसके आड़ में आ चुके हैं। क्योंकि अल्लाह ताला अपने से खैर को नहीं रोकता है, बंदे अपने आप पर जुल्म कर कर खैर को रोक लेते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में ये आयत के साथ क्या बयान फरमाए, तनज़्ज़ुलुल मलाइका वर्रूहु फीहा। ये खासियत इस रात की कि अल्लाह ताला के फरिश्ते नाजिल होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी हयात में उम्मे अयमन की एक बड़ी खातून ज़ईफ़ुल उम्र की थी, उनकी मिजाज कुर्सी के लिए जाया करते थे। नबी के इंतकाल के बाद अबूबकर और उमर दोनों सोचे कि अल्लाह के नबी उनकी खैर खैरियत लेने जाते थे, चल अपन भी जाकर नबी की सुन्नत की फल होती है और उनकी खैर खैरियत तो मिल जाएगी। जैसा वहाँ पहुँचे वो मेहमान रोने लग गई और बहुत रोने लग गई, तो लोग बताए क्या मेहमान आपको पता नहीं कि रसूलुल्लाह का मुकाम अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा आराम और मुअज़्ज़ज़ है ये दुनिया के तकलीफ़ों से। तो कहती है मैं इस बात से नहीं रो रही हूँ कि नबी का इंतकाल है उनका मुकाम आला बेहतर नहीं है, मुझे इस बात से रोना रहा है कि जिब्रील अमीन जो आते थे ज़मीन पर वो आना बंद हो गए। सहाबा किराम के दिल में फरिश्तों से मोहब्बत है, ये तीसरा अकीदे का मामला आप सामने रख रहा हूँ। क्या है मोमिन का अकीदा? फरिश्तों से मोहब्बत रखना। क्यों? क्योंकि वो लोग अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। नेक लोगों से मोहब्बत करना, फिर भी नेक लोगों से कभी गफलत, कभी कुछ गुनाह सरजद हो जाता है जाने जाने में। तो यहाँ पर फरिश्तों से मोहब्बत रखना अल्लाह ताला
इसके अंदर एक ईमानी तकाजा रखा है। वो क्या है कि वो फरिश्ते जो आपको और हमको जानते भी नहीं थे, वो लोग अल्लाह की बारगाह में आप ईमान वालों के लिए वो लोग भी बड़ा दुआएं करते रहते हैं। किसके लिए? कहाँ पहचानता हूँ मैं उनको, कहाँ वो लोग मुझे पहचाने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाए, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ربنا وسعت كل شيء علما। عرش को उठाने वाले और अर्श के इर्द-गिर्द जो तवाफ करते हैं वहां पर भी अल्लाह की बंदगी करते हैं, उसके आसपास में क्या करते हैं वो लोग? يسبحون بحمد ربهم, अल्लाह की बड़ाई और तस्बीह करते रहते हैं। وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, और वही बारगाह इलाही में मगफिरत की दुआ करते हैं ईमान वालों के लिए। अल्लाह ये ईमान वालों की मगफिरत कर दे, अल्लाह ये ईमान वालों की मगफिरत कर दे, अल्लाह इनको बख्शिश कर दे। وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا, अल्लाह तेरा इल्म हर चीज पर, कोई चीज मुझसे छुपने वाली नहीं। فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا, اے اللہ وہ تو ایمان والوں کے لیے مغفرت کر دے مگر گنہگار جو توبہ لے کر آ رہے ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا یعنی کہ گنہگاروں کے لیے بھی۔ فرشتوں کا رشتہ کیا ہے؟ نیکی کرنے کو آپ کو خوش ہو جاتے ہیں اور نیکی کی طرف آنے پر بڑی دعائیں آپ کے لیے دیتے رہتے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, دیکھیے ایک دعا نہیں ईमान वालों के लिए तो मगफिरत की दुआ, मगर गुनहगार जो तौबा करके आ रहा है उसके हक में फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीन ताबू, उनकी मगफिरत कर दे। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीन ताबू वत्तबऊ सबीलक, और तेरे सही रास्ते पे आ चुके हैं, चल रहे हैं। वक़िहिम अज़ाब अल-जहीम, जहन्नुम के अज़ाब से इनको बचा ले। मामला फरिश्तों से मुहब्बत, क्योंकि नेक लोग सालेहीन लोग उनकी सोहबत और उनकी साथदारी ईमान की सलामती है। इंसान जैसे माहौल में जाता वैसी ही नेकी बिगाड़ अच्छा बुरा उससे ताल्लुक रखता। दरख्त निकलने के लिए उसके आसपास की मिट्टी पानी हवा अच्छी होना ज़रूरी है। इसलिए हम अपने साथियों को और अपने ईमान वालों को ये दावत देते हैं कि जिब्रील अमीन और फरिश्तों का नुज़ूल इसरात के लिए अल्लाह मखसूस रखा। ये एक सिफत के लिए अल्लाह की इतनी बड़ी तालीम और राय हो रही है कि फरिश्ते भी उतरते हैं और जिब्रील अमीन, तनज़्ज़ुल मलाइका व रूहु फीहा, रूह से मुराद ये जिस्म की जान नहीं, रूह से मुराद जिब्रील अमीन। कुरान मजीद में अर्रूहुल अमीन जिब्रील अमीन को खिताब दिया गया है, नज़ल बिह रूहुल अमीन, इस पैगाम को लेकर रूह अमीन उतारे हैं अला कल्बिका लितकून मिन अल मुरसलीन, आपके सीने मुबारक पर, ताकि आप पैगंबर है पैगाम लेकर पहुंच जाए। तो मामला क्या है? मामला ये है कि जिब्रील अमीन और फरिश्ते नुज़ूल होते क्यों उतरते, क्या खास है? खास ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जिब्रील अमीन और फरिश्ते उतर के क्या करते इस रात, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतफक्कदून अल-कुरआन व अहला, वो लोग जमीन पे कुरान का हाल और उसके साथ कौन उसके साथ यहाँ कुरान के साथ बैठकर महफिल जमा कर अपना माहौल कुरानी बनाते हैं और सुन्नत रसूल की इत्तबा करते हैं, यानी कि ईमान की हिफाजत के सरमाए को जमा करने को उसके पीछे परेशान कर, और इस माहौल की इस्लाह करने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की नहीं, आपके इर्द-गिर्द में साथियों को दोस्तों को सर्कल को देख लीजिए, आपका इंतकाल अभी हो जाए तो जनाजे की पहली सब यही दोस्ता है, अब आप जान सकते हैं इनकी दुआ कितनी कबूल होगी, कितने नाउज़ुबिल्लाह क्या हाल चाल के कैसे नाफरमान या ईमान वाले हैं। और सबसे पहली चीज़ हमेशा के साथदारी रफीक को उसको नेक सालेह बनाइए। आपका मोबाइल ये आपका सबसे बड़ा अहम माहौल है, और ये मोबाइल आप शोरूम में था, सब शोरूम वालों का था, ऐसे देखे अपना बनाए, मगर अफसोस वो आपका नहीं, वो आप उसके होंगे। बंदा जो ईमान वाला है उसकी इज्जत अल्लाह के सामने झुकने पर है, किसी और के सामने नहीं झुकता। आज बहुत बड़ी आफत और लत लगी है उस चीज़ की, काफ़ी घरों में काफ़ी बच्चों में मायों के
आंसुआ बाप का रोना और बच्चों के नाफरमानियों वही चीज को लेकर गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। लिहाजा ईमान वाला समझदार होता है, अपने फोन को भी नेक सालेह बनाने की मेहनत करता है, और आज जितना फोन से ही नेक सालेह अमल दावत फैला सकते हैं, मेरे ख्याल से किसी और अरसे में इतना आसानी नहीं थी दावत की। पहले के दौर में क्या था, जाओ उनके गांव में जाओ, उनके आराम के वक्त डिस्टर्ब मत करो, अच्छे मूड में रहे तो उनसे दावत पहुंचाओ, उनको खटखटाओ दरवाजा, एक घर से दो घर, एक गांव से दूसरा गांव, कितनी मशक्कत थी। आज घर घर में, दोस्तों में, फैमिलियों में, पड़ोसों में, सबके पास मोबाइल है, मगर अफसोस दीन जिम्मेदारी, दीन का दावत का जज्बा हमारे दिलों में नहीं है। हमको सिर्फ दुनियादारी करना है, ठीक ठीक ठाका करना है, बेहिसाब और वाहियात और गनीमत नमीमत, वो नेकियों को एक ही कॉल में इतनी तरह हुई तहज्जुद पढ़ने निकलता है बंदा, एक ही फोन की गनीमत में सारे नेकियां दूसरों के हवाले कर दी, कितनी अफसोस और दुख की बात है। क्या आपने अपनी नेकी की कदर नहीं कर सकते, तो फिर ऐरों गैरों को हकदार बना के अपनी नेकियों के सवाब के और आपके गुनाहों उनके गुनाह आप सर पे लेते हैं, ये मामला नहीं होना चाहिए। गफलत इस तरीके की, इसलिए आज हमारे ईमान वाले भाइयों को दावत दी जाती है कि मोबाइल आपके तहत चलना जैसा आप अल्लाह की बंदगी के तहत चलते हैं उसको भी बंदगी में ले आना। आज दावत के लिए आपको हम ये नहीं कहते हैं आप आलिम फाजिल हाफिज बनो, बाद में दावत कर जो बहाने भागने के चोरी के मिलते हैं लोगों को, नहीं, आज आपके पास उलमा के बयाना है, उनके खिताबात है, उनके छोटे क्लिप है, बड़े बयाना है, बड़ी चीज़ें हैं, आप खुद चाहे तो अच्छे अच्छे चीज़ें दावती मटेरियल जमा करके रोज़ाना अपने 100,000 तक पहुंचा सकते हैं। मगर अफसोस मोबाइल सिर्फ ऑपरेट करता है जब आपके दिल में किस चीज़ की ख्वाहिश हो रही वही चीज़ की ख्वाहिश की तरफ बटना दबते हैं। अगर जन्नत की ख्वाहिश है, अल्लाह की रवा की ख्वाहिश है, तो बेशक आपका मोबाइल भी एक नई दाएं बन सकता है, मगर बनाने वाले कहाँ है, दुनिया बना सके, दुनिया के पूरे मैसेज पढ़ के जवाब दे सके, अल्लाह का एक मैसेज आसमान से उसको पढ़ना नहीं हुआ, उसको समझना नहीं हुआ, उसको पहुंचाना नहीं हुआ, तो फिर कैसी कामयाबी हो सकती है। अल्लाह महफूज करे हमारी इस गफलत और कोताही से। आज का दौर बोलो ना दावत के लिए बहुत बड़ा आसान दौर है, और शिर्क बिदअत इसलिए नहीं फैले हैं कि करने वाले ज्यादा है, हक को जानकर नसीहत नहीं करने वाले, बुजदिली इख्तियार करने वाले, बखालत कंजूसी करने वाले, अपने अल्लाह की बड़ाई के लिए ये लोग कि ये सुलूक की वजह से तौहीद आज कमजोर है, वही लोग अकलियत है, शिर्क ज्यादा फैला हुआ है। हक की बात अगर पहुंची तो गलत करने वाला एहसास करता है, भाई मैं गलत का हूँ, मैं सालों साल से करते आ रहा हूँ, मेरे को कोई भी नहीं बताए, कोई भी नहीं बोला, कोई एतराज ही नहीं आया, क्यों, क्योंकि हक वाला दुनिया वालों से डरे हुआ है कि कुछ भेजूंगा तो मेरे से झगड़ा करेंगे, मेरे को भला बुरा बोलेंगे, तो फिर आप दुनिया का रिश्ता कटने से इतना डरते हैं, और अल्लाह की रिश्तेदारी जो बंदगी की आपका सिला था, अल्लाह का डर कहाँ है। यही तो अफसोस और दुख की बात है। आज बहुत से हमारे दुआत भी अगर कोई दावती चैनल भी खोले तो दुनिया वालों का लाइक तलाश करते हैं, हालांकि अल्लाह का लाइक सबसे बेहतर था, और वही चीज़ पे हमको आपको आदि बनना चाहिए, ना कि हमें सब्सक्राइबर होना, ना हमको फॉलोअर्स होना, हमको सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स, उम्मत सही रास्ते पे चले तो बस है। चाहे किसी की नसीहत कभी किसी के बोलने में, किसी के अंदाज में, किसी की मिसाल में ज्यादा माना करीब होता दिल को पहुँचने में, वही चीज़ को अख्तियार करके आप सिलेक्शन करेंगे। अल्लाह ताला आपकी जस्तजू और तलब को तकवा जो चीज के बारे में आप ढूंढ रहे थे वो यही तकवा है जो आपको हर नेकी की तरफ खुशी खुशी लेकर जाता है, हर नेकी को पहुंचाने में एक मजा और लुत्फ लेते हैं, और हर बुराई से उम्मत को बचाने में अल्लाह ताला आपके दिल में एक सहादत और एक खुशी दिलाता है कि आपने अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को, अपने वक्त को, अपने मोबाइल को, अपने खुद को भलाई और नेकी के रास्ते जैसे ससरात और मुस्तकिम मांग रहे हैं उसी पर आप चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला यही चाहता है आपसे कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं गफलत से और आँख मूंछ कर फॉर्मेलिटीज नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि चाह रहे हैं दिन सरात और मुस्तकिम, अल्लाह को सही रास्ते पर आरस्त करते हैं, सरात मुस्तकिम हमको हकीकत में चाहिए, ना कि सिर्फ
मैंने बोले जैसा जबान को जो मुकाया बोल दिए और उसके ऊपर फॉलो नहीं करें, इसलिए आप सिरात मुस्तकीम है, आपका मोबाइल भी आपके दोस्त ना भी सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले बन जाए। आखिरी तीन बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बिरसत और रिसालत अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए और हमारे और आपके अंदर अगर तौहीद का अकीदा सही तरीके से हमारे बच्चों में हमारे बड़ों में छोटों में नहीं पैदा किया जाए तो गुमराही बनाना बहुत करीब से लपेट में आ जाती है और पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी गुमराही में चले गए। मिसाल के तौर पर दो तीन मिसाल दे के बात इसको ख़त्म करेंगे। हर नमाज में आप हम हाथ पे हाथ बांध कर कहते हैं अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम अता फरमा, फिर कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जिसके ऊपर अल्लाह आपका गज़ब नाज़िल हुआ यानी कि यहूद कौम और गुमराह लोग जिसने अल्लाह को औलाद की निस्बत दी है ईसा इब्न मरियम की यानी कि नसारा, हमको ना यहूदियों का ना नसारा का रास्ता चाहिए, हमको जिसके ऊपर आपका इनाम हुआ उनका रास्ता चाहिए। तो फिर हमारे कई फैमिलियाँ ख्वातीन भी देखते हैं अपने बच्चों को और बड़े हजरात भी, क्या है बच्चे हेयर कटिंग करने गए तो एक स्टाइल में फलान यहाँ से कट कर लिए ऊपर से गुपचो कर दिए, क्या कहते हो मैरिन्स का है फौजियों का है फलान का है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए खास हदीस है नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़ज़्फ़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे कि सर के बाल कुछ हिस्से कट करे या उस सर पे नक्शे बनाए, नक्शे क्या बालों के एक स्टाइल और एक तरीका, ये नमूना बदरी चरणों का महफूज करें, हम नहीं हैं वो उम्मत के, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ताबेदार हैं। अब उसके साथ साथ दूसरी खराबी भी देखिए, कितने बच्चे हमारे मस्जिद में और मुसल्लियाँ भी आते हैं, आपको मालूम फुटबॉल टीम खिलाड़ियाँ क्रिकेट के खिलाड़ियाँ टीवी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार जिसको ये लोग कहते हैं बना लिए हैं, उनके ड्रेसिंग उनके टी शर्ट उसके पीछे उसका नाम भी है, आपको ज़रा तो शर्म आना चाहिए कि जो शख्स आपके अल्लाह को एतबार नहीं करा आपके रब को इनकार करता है और कहता है अल्लाह ताला के लिए औलाद है और जो कहता है अल्लाह के साथ रूहुल कुद्दुस ट्रिनिटी का अकीदा रखता है और जो कहता है अल्लाह इबादत के लायक नहीं ये हमारा बुत लायक है इबादत है, ये जो अल्लाह को इनकार किया आप उसको एजाज दे का फैन बनते उसके चाहिए उसको बोलवा, फिर अल्लाह के सामने अल्लाह अकबर बोलने का मतलब क्या हो, जरा तो शर्म आना चाहिए कि हम किसका नाम लेके पीठ पे फेर रहे हैं उसका प्लेयर नंबर और उसका नाम, फिर वो हस्ती को एजाज दे रहे हैं जो कुफ्र बिल्ला करता है और मस्जिद में भी लाकर उसका नाम शाये करदा करते हैं। हमारे ख्वातीन से और बड़े हजरात से भी ये अकीदे का मामला है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि तब्दील किया जाए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सबसे मजबूत कड़ियां ईमान के रिश्ते ईमान से अगर जुड़े हैं अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत रखना और अल्लाह के लिए उनसे मोहब्बत नफरत करना, तो आप कैसा वो मामले को बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई जो कुफ्र बिल्ला करता है उसको एजाज हम देना, अरे भाई अल्लाह हू अकबर इतना छोटा मसला नहीं है, या आकाई भी बुनियादी मसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कयामत के रोज इंसान किसको ज्यादा अपना चाहता अपना बल्कि उसका फॉलोअर बना कयामत के उसी के साथ हशर में उठाया जाएगा, अब इन्हों क्या बचाएंगे आपको जहन्नुमी हो और आपको जन्नती के रास्ते से हटा दिए यहाँ से हटा दिए, सोचने की बात है या अकीदे का मसला है, बहुत से ऐसे बातें हैं मगर वक्त अब साथ नहीं दे रहा है, मैं मुख्तसर आखिरी बात कहते हुए बात ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला इस रात की फजीलत में कितनी चीज़ें बयान किए और बताया कि 1000 महीने की बात सबज़ा फरिश्ते जिब्रील के साथ नुज़ूल होते और कुरान का हाल देखते हैं और कुरान का केयर करने वाले तवज्जो करने वाले कौन है उनका ख्याल करते वे उनके साथ वो महफिल में उनकी बरकतें अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है और सलाम ही हत्ता मतलअ फजर, फजर तक वो सलामती की रात रहती। 10 साल से नासा स्पेस एक बड़ी रिसर्च जो फिजा के आसमान सूरज चांद सितारे जो भी चीज़ा इसके दूरबीन्स लगाए हुए हर जगह से वो रिसर्च करते हुए देखते हैं, उनका एक आदमी जो ड्यूटी को गोली मारकर
हकीकत को देखा कि एक चीज छुप पा रहे हैं लोग, और वो ये है कि जमीन पर फिजा से कईयों टुकड़े गिरते हैं, आसमान के स्पेस के डस्ट पत्थरे नेजर टुकड़े, तो रोज हर रात 10,000 से 20,000 छोटे मोटे टुकड़े गिरते रहते हैं, बस बड़े भी आके गिर जाते हैं जमीन पर, मगर अक्सर क्योंकि जमीन पानी का हिस्सा है तो लोग को याद नहीं रहता, दिखता नहीं, महसूस नहीं करते, कम हिस्से टुकड़ों के जमीन के खुश्की पे गिरते, वो देखते हैं लोग धस गई जमीन, गड़ा बन गया, फला चीज आई, मगर अक्सर समंदरों में छोड़ जाता है। तो ये कारोबार बल्कि उसका नाम था, उसने देखा कि ये हकीकत को लोग बयान नहीं करते हैं कि साल में एक रात आती जो हम देखे कि उसमें एक टुकड़ा भी जमीन पर नहीं आता। और वो अजीब बात है कि लोग इस चीज को क्यों दुनिया के सामने नहीं ला रहे। तो वो आदमी सदा पूरा करके वो हकीकत को इंकशाफ कर दिया और बोल दिया जो होता हूँ मेरी ड्यूटी गई गई, मगर इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं। और इस्लाम के बहुत सी चीजों में रिसर्च करते हो खुद परेशान हैरत अंगेज हो गया कि यही खालिक की बात हो सकती किसी मखलूक की नहीं है, और यही सच्चाई है, ये सलामती है फजर तक। तो आप अपनी सलामती चाहते हैं तो इस रात की कदर करें, जिंदगी भर की सलामती चाहते हैं कुरान से लगाव जुड़ाव रखें, और आखिरत की बेहतरी अपनी कामयाबी लेना चाहते हैं तो यही नेकी पर सबर करना, गुनाहों से परहेज करना, अल्लाह का डर और अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखकर जीना। भाई जैसा इफ्तार से पहले आधा घंटा बैठते हैं, अब सुबह से भूखे प्यासे हैं, अपने आप को क्या तसल्ली देते, बस कुछ मिनटों का मामला है, आधा घंटा ही खोलेंगे रोजा, सबर कर लेंगे, अल्लाह शुक्रा तो अभी अपने आप को ये तसल्ली देते हैं, चलो थोड़े छोड़ते भिगता सबर कर लेते, घंटे हो गए, आधा घंटा एक घंटा कोई सी बड़ी बात है, सबर कर लेंगे। ईमान वाले इसी तरीके से सोचते हैं कि अल्लाह की फरमाबरदारी यहाँ करना, अल्लाह के गुनाहों से परहेजगारी करना, हराम से अपने आप को बचाना और जिंदगी भर अल्लाह ताला की बंदगी में जुड़े हुए रहना, चंद दिन है बस खत्म, जन्नत आएगी इंतजार कर रहे हैं, थोड़े दिन सबर करना है। सहाबा के नाम अपने आप को क्यों, वो लोग अल्लाह की राह में हालांकि वो लोग खुद जरूरतमंद रहते थे, मगर अल्लाह की दीन की नुसरत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां माल खर्च करते 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 वो लोग मालदार हो गए, दुनिया के खत्मों में नहीं कुछ, और हम जितना बचाते बचाते उतने कंगाल होते रहे, इल्ला माशाल्लाह बरकत ही चले गई। तो इसलिए ईमान वाले हमेशा इस बात की गौर फिक्र लिहाज करते हैं कि दुनिया के अभी सिर्फ चंद दिन बाकी है, कौन मेरा पैसा लेके मुझको डुबाया, सामने आएंगे मालिक की उम्र दिन में पड़ता, कौन मेरा हक मार के मेरी गीबत किया, वो हिसाब किताब उसके नेकियां ले लेता, मेरे गुनाह कोई उठाने वाले मिल गए। यकीन मानिए सिर्फ देखे देखे तक ये कयामत उठ जाती, और हर इंसान के लिए जो इबादत में सुस्ती काहली थकन कमजोरी अपने आप को बहाने देकर आराम का तलबगार है, तो हम कहते हैं भाई साहब अल्लाह के वास्ते यहाँ मेहनत करने के लिए आए हैं, और मेहनत मजदूरी करेंगे तो आप उजरत के हकदार बनेंगे, मेहनत मजदूरी नहीं होगी तो फिर जन्नत मांगना सिर्फ ख्वाबों में तसल्ली देना अच्छा बयान अच्छा खुतबा सुनने से जन्नत ही नहीं होती। मगर एक चीज़ अपने अंदर पैदा करो कि आपको आराम के लिए बहुत बड़ी फुर्सत का वक्त मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप मरते ही खबर में सोते रहेंगे कयामत तक, तो आराम का चिंता मत करिए, इधर मेहनत करो और अपने कब्र को आरामदायक चमन गार्डन बाग बनाने की फिक्र करो, जहन्नुम का गढ़ा बनेगा तो कहाँ यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत अपने आप को अल्लाह की रजा में थकाओ बर्दाश्त करो, दुनिया की हर ख्वाहिश करना जरूरी नहीं है, ख्वाहिशात पूरे हमारे जन्नत में मिल जाते हैं, मगर उस जन्नत को पाने के लिए अल्लाह को राजी करने की जुस्तजू और तड़प, यही तकवा का नाम है जिसके लिए आपको कामयाबी ये चीज मिलती है। ये महीने से अपने आप को सबर करना रोजे की इबादत सिखाती है कि सिर्फ चंद मिनट है चंद घंटे हैं फिर इफ्तार का टाइम हो जाता, उसी तरीके से चंद दिन है दुनिया में अल्लाह की बंदगी पे गुजारो और आपके लिए जन्नत इंतजार कर रही है। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कहने से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमा, रब्बुल आलमीन इस लैलतुल क़द्र की हक़ क़याम करने वाले बना,
हमारे गुनाहों की मगफरत फरमा दे, हमारे वालदेन की मगफरत कर दे, हमारे बीवी बच्चों को और ख़ुद को इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह की वहदानियत बड़ाई करने वाले और उस पर माल वक्त खर्च करने की तौफीक कबूलियत अल्लाह ताला उसके साथ हमको कामयाबी से जुड़ा दे। रब्बिल आलमीन दुनिया की गफलत और हराम ख्वाहिशात से अल्लाह हम सबको पनाह देकर बचा दे। रब्बिल आलमीन हमारी जितनी कोताही इस दीन की नुसरत में हुई है अल्लाह हमारा तौबा कबूल कर दे और हमारे वालदेन की मगफरत फरमा, जहन्नुम की आग से छुटकर आज़ादी दिला दे। और जैसा कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफूव तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना, अल्लाह तू माफ़ करना पसंद करता तो हमें माफ़ करके जहन्नुम से छुटकर आज़ादी दिला दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।